नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, इंडियन आर्मी के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ये एसएससी टेक्निकल वालों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। जो भी बच्चे टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, इसके अंदर कौन कौन बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और मेल और फीमेल क्या दोनों अब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। कंप्लीट डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 63 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन अक्टूबर 2024 एंड 34 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमेन कोर्स अक्टूबर 2024 इंक्लूडिंग विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल नॉन UPSC। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो 63 शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी टेक्निकल मेंस अक्टूबर 2024 के लिए ये रहने वाला है, और तो जो 34 यहाँ पे देख लीजिएगा 34 शॉर्ट एसएससी टेक्निकल वुमेन्स के लिए रहने वाला है अक्टूबर 2024, इंक्लूडिंग इसी के अंदर विडोज़ के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। कुछ जो मतलब सेना में शहीद वगैरह हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ वालों के लिए भी इसके अंदर कुछ वैकेंसी निकाली गई है। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्या पता इन फ्यूचर आपके ये वीडियो काम आए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आल्सो फ्रॉम विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंसेस पर्सनल हु डेड इन हार्नेस्ड फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इन द इंडियन आर्मी कोर्स विल बी कमीशन ऑन अक्टूबर 2023 एट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग अकेडमी PCTA। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं अनमैरिड मेल के लिए किए गए हैं और अनमैरिड फीमेल के लिए यहाँ पे ये किए गए हैं। साथ ही जो विडो होते हैं मतलब जिनके कोई शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये SSC की तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। आइए इसकी एलिजिबिलिटी पर हम बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इसके अंदर। तो ये देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी में सबसे पहला गया है, कैंडिडेट मस्ट आइदर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ मर्ज्ड इन पाकिस्तान। तो ये बेसिक सी जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि पहला सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप इंडिया के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसके बाद नेपाल का नागरिक है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं शहर कि आपने यहाँ से मर्ज भी किए हैं, जैसे आपके पूर्वज यहाँ पर रहते थे इंडिया में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, फॉर एसएससी टेक्निकल 63 मैन एंड एसएससी टेक्निकल 34 वुमेन्स, जो इनकी एज ग्रुप रखी गई है वो देख लीजिएगा, 20 से 27 साल मांगी गई है एज़ ऑन अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 से इनकी एज काउंट की जाएगी। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 अक्टूबर 1997 एंड 1 अक्टूबर 2004 बोथ डेज इंक्लूसिव। तो ये बताया गया है या तो आपकी एज 2 अक्टूबर 1997 होनी चाहिए, या फिर आपकी एज 1 अक्टूबर 2004 होनी चाहिए, या फिर आपकी एज इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर विडोज़ के लिए देख लेते हैं, ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल हु डेड इन हार्नेस ओनली SSC विडो नॉन टेक्निकल एंड नॉन UPSC SSC विडो टेक्निकल ए मैक्सिमम एज। तो इनके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है और 1 अक्टूबर 2024 को इनकी एज काउंट की जाएगी। मतलब 1 अक्टूबर 2024 तक आप 35 साल से कम के होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे एज ए विडो। तो ये यहाँ पे बताया गया है, आइए हम आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा नोट में कहा गया है, द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आर इक्विलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड, नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एज विल बी एक्सेप्टेड। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है, जो भी आपकी एज की काउंटिंग होगी या फिर एज का जो प्रूफ होगा वो आपका जो 10th का स्कूल सर्टिफिकेट होता है, या फिर सेकेंडरी मतलब 8वीं का, या फिर 10वीं का जो स्कूल लिविंग मतलब
वहाँ पे जो डेट मेंशन होती है 8वीं और 10वीं क्लास में, वही आपका एज प्रूफ माना जाएगा, ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट हु हैव पास्ड द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये बताया गया है कि जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन इसमें इंजीनियरिंग में की होगी, वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मतलब किसी बच्चे का फाइनल ईयर चल रहा है तो वो बच्चा भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम आगे आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा नोट में क्या गया, ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्ज़ाम विल बी शेड्यूल आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 आर नॉट एलिजिबल। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, मतलब जो ग्रेजुएशन जो जो अभी करंट टाइम में चल रहे हैं उनका 1 अक्टूबर 2024 से पहले कंप्लीट होना हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया गया। 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट हो जानी चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे हम आ जाएंगे और जो जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा नोट 4 में क्या गया है, कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो करंट टाइम पे जिनकी मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी फाइनल ईयर से पहले जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनमें कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी पेपर में मतलब कि रीअपियर नहीं होनी चाहिए, एक सारे पेपर कंप्लीट पास होने चाहिए तो ही आपको एलिजिबल माना जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन विडोज़ के लिए देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ये देख लीजिएगा, एसएससी विडो नॉन टेक्निकल के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है और जो एसएससी विडो टेक्निकल वालों के लिए बीई बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है। तो बेसिक सी बात जान लीजिएगा, जो एसएससी की विडो हैं उनके लिए नॉन टेक्निकल के लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है और जो टेक्निकल की वैकेंसी फॉर्म भरेंगे उनके लिए बीटेक या फिर बीई स्ट्रीम में इंजीनियरिंग मांगी गई है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिएगा वैकेंसी के बारे में बताया गया, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ओनली द इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड देयर एक्सेप्टेबल इक्विलेंट स्ट्रीम्स स्ट्रिक्टली एज नोटिफाइड इन द टेबल बिलो विल बी एक्सेप्टेड कैंडिडेट विद डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं भर सकता है। नीचे फॉर्म, नीचे इसके नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली बताया भी गया है कि किस किस स्ट्रीम में, मतलब जो बी टेक की स्ट्रीम्स होती हैं अलग अलग होती हैं, वो सारी डिटेल से बताई गई है, मैं यहाँ पर बता दूंगा, आप आराम से नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर शेयर करा दूंगा, यहाँ पे मैं आपको बेसिक बेसिक आपको स्ट्रीम बता दूंगा। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आ गया है वैकेंसी का, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम यहाँ पे लिखी है, सिविल के अंदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये अगर सारी हैं तो आप कर सकते हैं और इनके इक्विलेंट ये सभी पोस्ट मानी गई है। देख लीजिएगा आपने किसके अंदर बीटेक की है, अगर आप में से इनमें से किसी के अंदर भी की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे और मेन कोर्स के लिए 75 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर शेयर करा दूंगा, यहाँ पर डिटेल से पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम रखी गई है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, और इसके अंदर ये इतनी सारी इक्विलेंट है, किसी में भी आपने की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर टोटल 60 पोस्ट रखी गई हैं, तो ऐसे ही देख लीजिएगा सभी के अंदर यहाँ पर मांगी गई है। ये कंप्यूटर साइंस का चल रहा है, ये देख लीजिए इलेक्ट्रिकल का आ गया है, यहाँ पर ये स्ट्रीम्स दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी इक्विलेंट है, 33 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई हैं, तो काफ़ी अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ही चल रही है, देख लेना यहाँ पे सारी इक्विलेंट है, 64 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई हैं। आगे हम देख लेते हैं, उसके बाद ये देख लीजिए मैकेनिकल की भी यहाँ पे दी गई है, ये पोस्ट मैकेनिकल की स्ट्रीम है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी,
और उसके बाद एवोनिक्स, ये सारी इसकी इक्विलेंट है, 101 पोस्ट इसके अंदर है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा, मिस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम की है, ये सारी हैं, 17 पोस्ट हैं इसके अंदर। तो ये देख लेना आप अच्छे से, यहाँ पे सिविल की भी दी गई है, देख लीजिएगा, सिविल स्ट्रीम की ये सारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये इक्विलेंट है, 7 पोस्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे देख लेना, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ये सारी इक्विलेंट है, 4 पोस्ट हैं इसके अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारी दी गई है, आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में ये प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अच्छे से आराम से पढ़ लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गई हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ओनली इतना ध्यान लीजिएगा, जिस भी बच्चे ने BTech की है, सिर्फ वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। विडो की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे, फॉर विडो डिफेंस पर्सनल ओनली के लिए, SSC जो विडो टेक्निकल के लिए फिल करेंगी, उसकी एक वैकेंसी निकाली गई है, और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सॉरी, आपने BE या फिर BTech करी होनी चाहिए। SSC विडो नॉन टेक्निकल के लिए बात करें तो एक वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है, ओनली ग्रेजुएशन पास होंगे तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है, आगे चलते हैं हम। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, जो भी काम की चीज़ है वो मैं आपको आपका बताता चलूँगा। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल ट्रेनिंग एट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो इसकी जो इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, मतलब कितने वीक्स की होगी, 49 वीक्स की ये ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जाएगी। आगे हम देख लेते हैं, ये रैंक वाइज दिए गए हैं, आप चाहे पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब रैंक वाइज क्या कौन सा पहले आता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, ये थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पे डिटेल से। पे की बात करें तो देख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट की जो रैंक होती है, लेवल 10 की नौकरी होती है, 56,000 से लेके 1,77,000 इसके अंदर सैलरी मिलती है। ऐसे ही सबकी आप देख सकते हैं, लेवल इनका यहाँ पे दिया गया है और सैलरी इनकी यहाँ पे दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं किसकी कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पे। और ये जानकारी बेसिक सी है, आपके काम की नहीं है। ये अदर अलाउंस जो अदर दिया जाता है, पैरा रिजर्व के अंदर जाते हैं, टेक्निकल अलाउंस, टेक्निकल, ये सारे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है इसके अंदर, सिलेक्शन हो जाता है। तो बाकी जो काम की चीज़ें हम वही अभी डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए, चिल्ड्रन का भी अलाउंस मिलता है, 22,000, माफ़ कीजिएगा, 2,250 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 eldest सर्वाइंग चिल्ड्रन एंड नर्सरी 2+ क्लास। मतलब दो बच्चों का, जो पहले दो बच्चों होंगे उनके लिए नर्सरी से लेके +2 क्लास तक 2,250 पर महीने इसके अंदर अलाउंस मिलता है। तो ये देख लीजिएगा, बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर। और ये यहाँ पे हाउ टू अप्लाई बताया गया, कैसे आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के अंदर, ये ओनली ऑनलाइन वेबसाइट है .NIC.IN, इसी के थ्रू आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है अपना। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड देयर अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अवॉइड मिस्टेक्स एंड रिजेक्टेड ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा, केयरफुली आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, तो अब तो शायद कुछ नहीं बचा इसके अंदर, मे भी सारा हमने डिस्कस कर लिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर एज फॉलोज, शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड
रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन एंड फिक्स कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्ट्रीम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. द कट ऑफ विल बी अप्लाइड इन ईच स्ट्रीम ऑन द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट अप टू फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग. कैंडिडेट विल प्रोविजनली अलाउड टू अपियर इन SSB. तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहली स्टेज में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब शॉर्टलिस्ट किस आधार पे किया जाएगा, जो भी आपने ग्रेजुएशन में BTech में नंबर ऑब्टेन किए होंगे टोटल में से, उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा SSB के लिए. ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है. उसके बाद हम देख लेते हैं सेंटर अलॉटमेंट. यहाँ पे दिया गया है आफ्टर शॉर्टलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आर एंड सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट वाई देयर ईमेल. आफ्टर मतलब ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं नहीं हुए. अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन टू वेबसाइट सेलेक्ट देयर SSB डेट्स. तो ये बताया गया बेसिक सी जानकारी, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी SSB डेट क्या रहने वाली है. उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए कैंडिडेट विल पुट थ्रू टू स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर. तो दो स्टेजेस रहने वाली हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की. दोज हु क्लियर स्टेज वन विल गो टू स्टेज टू. तो यहाँ पे बताया गया कि पहले स्टेज में जो बच्चे पास होंगे वही स्टेज टू दे पाएंगे. आगे आ जाएंगे हम, अंत में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है. ये एंटाइलमेंट ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको दिया जाएगा आई थिंक, मतलब जो आप ट्रैवल करेंगे उसका भी आपको दिया जाएगा. मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. अब देख लिया, इट टू बी नोटेड दैट मेयर क्वालिफाइंग एट द SSB इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्म फाइनल सिलेक्शन. मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रीम सब्जेक्ट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन. मतलब कि जो SSB कब का इंटरव्यू होगा वो ओनली क्वालिफाइंग रहने वाला है. जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके जो ग्रेजुएशन BTech में नंबर ऑब्टेन किए होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है. आगे हम देख लेंगे अगर कोई और काम की चीज़ रह ना जाए. तो ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो चुका है. ये यहाँ पे डेट भी देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 23 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी रखी गई है. अगर आप एलिजिबल हैं तो जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, लेवल 10 की नौकरी है, 56,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है. तो काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. इस फॉर्म को डेफिनेटली आप फिल कीजिएगा और हो जाता है तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी बात है. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप ये फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या नहीं फिलअप करने वाले. कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे. यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है. इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.